मरवाही में सेमदरी निवासी एक 24 वर्षीय युवक भालू के काटने से रेबीज का शिकार हो गया, लेकिन दुर्भाग्यजनक हालत ये है कि युवक को एंटी रेबीज इंजेक्शन नहीं मिल पाया। अब वो भालू की तरह व्यवहार कर रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक 2 वर्ष पूर्व युवक को भालू ने काट लिया था। युवक को एंटी रेबीज की पूरी खुराक नहीं मिली। अब युवक के शरीर में रेबीज फैल गया है। जो अभी आपका भाई एडमिट है जी, उनको कब भालू काटा था? 2 साल पहले। पिछले साल भालू काटा था जी। वो भालू टाइप की हरकत कब से कर रहे हैं? अभी 2 दिन से कर रहे हैं जी। ट्रीटमेंट हुआ था पहले उनका? हुआ था। कहाँ हुआ था उनका ट्रीटमेंट? यहीं अस्पताल में, मरवाही में हुआ था। मरवाही में इलाज के लिए युवक को मरवाही स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है। अब युवक हुबहू भालू की तरह हरकत करने लगा है। वो भालू की तरह थूकना, चलना और काटने के लिए दौड़ लगा रहा है। ये भालू काटने का मामला सर आपके यहाँ आया है, क्या मामला क्या है? ये मामला ये है कि दो ढाई साल पहले भालू काटा था जी, और ट्रीटमेंट तो हुआ लेकिन घाव सब सूख गया। उसको लोग अपने छुट्टी बनवा के लेके चले गए। जो रेबीपुर इंजेक्शन लगता है जी, वो इंजेक्शन पूरा डोज नहीं पूरा हो पाया है। अच्छा, इसका 2 डोज लगवाए हैं, 3 डोज लोग लापरवाही करते हैं घर में। सर चलते मैंने कि अभी जो कैविटी है, अभी शुरुआती लक्षण लग रहा है, और उसका मैंने कैविटी भालू टाइप का ऐसा करा, थूकना चाटना ऐसा करना। सर परिजन का कहना है कि ये पूरे भालू की हरकतें कर रहा है, जैसे थूकना, भालू टाइप का चलना या काटने दौड़ना, ये सब हाइड्रोफोबिया का लक्षण है जी। तो क्या सर यह ट्रीटमेंट होगा या फिर आप प्रीफर कर रहे हैं? यहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है या सर फिर आप प्रीफर कर रहे हैं इनका? मैं तो अभी तो ट्रीटमेंट अभी तो रखा हूँ, लेकिन रेफर तो नहीं पड़ेगा, भालू कालीबाड़ ले जाना पड़ेगा रायपुर। हम आपको बता दें कि रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में एंटी रेबीज इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, जबकि प्रदेश में कुत्ते, भालू और अन्य जानवरों के काटने के प्रकरण तेजी से बढ़ रहे हैं। मरवाही से सुबीर कुमार चौधरी की रिपोर्ट। जनमंत्र, निष्पक्ष, निर्भीक।